नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। बीजेपी के सामने नहीं आया कांग्रेस का कोई प्रत्याशी, लगा आरोप। अमरोहा, गजरौला, हसनपुर, मुबारिसपुर पूर्व में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा पूर्व सांसद कुंवर सिंह तंवर के बेटे ललित तंवर अध्यक्ष पद की कुर्सी पर काबिज है। कांग्रेस पार्टी में पिछले 7 वर्षों से जुड़े हुए एक सदस्य ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए बताया है कि कांग्रेस ने प्रदेश के सभी जिलों में चुनाव लड़ने के लिए टीम तैयार की है, साथ ही लगभग 50,000 रुपए चुनाव लड़ने को दिए हैं, परंतु जनपद अमरोहा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस की ओर से कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ने को मैदान में नहीं आया। कांग्रेस से जुड़े सदस्य ने जिला अध्यक्ष से कई बार कहा कि अपनी पार्टी से कोई प्रत्याशी मैदान में उतारो, परंतु जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। इसी बात को लेकर कांग्रेस से जुड़े सदस्य भड़क गए और जोरदार आरोप लगाया कि वह किसी दूसरी पार्टी से मिल गए, जिस कारण अपनी पार्टी से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अपनी पत्नी सकीना बेगम का नामांकन पत्र खारिज करने पूर्व मंत्री महबूब अली ने लोकतंत्र की हत्या बताई है। आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष के दबाव में उनकी पत्नी का नामांकन पत्र खारिज किया गया है। सभी भाइयों को नमस्कार, मैं आपका युवा साथी राहुल वर्मा, अमरोहा जिला अध्यक्ष, सोशल मीडिया कांग्रेस पार्टी। मैं बहुत दिनों से चुप था और मैं ये बात अपने मीडिया के जरिए जो कांग्रेस पार्टी के ग्रुप थे मैं उनमें शेयर करता था। आज मुझे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। जो भी कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जयपाल जी द्वारा और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया जी द्वारा मैं मीडिया के माध्यम से उनसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो जिलाध्यक्ष जी मुझे एक दो बार धमकी भी दे चुके हैं मारने की, और उनके कुछ गुंडे हैं उन्होंने भी मुझे धमकी दे चुके हैं मारने की, तो मैं उनसे पत्नी से बात नहीं कर सकता। मैं मीडिया के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ। मैं दो चीज़ का विरोध करता था पार्टी में। एक तो जो पार्टी से कांग्रेस पार्टी में 50,000 रुपये आए थे पार्टी ने जिला पंचायत चुनाव में दिए थे प्रत्याशियों को लड़ने के लिए, तो जिलाध्यक्ष ओमकार कटारिया जी ने सब प्रत्याशियों को किसी को 10 किसी को 20,000 रुपये देकर अपना पल्ला झाड़ लिया और अपनी जेब भर ली, जिसकी मेरे पे एक व्यक्ति की वीडियो भी है, कामिल खान है, लिसड़ी कटाई के वार्ड नंबर 13 से चुनाव लड़े और कुछ प्रत्याशियों की मेरे से रिकॉर्डिंग भी है जो बोल रहे हैं कि 30,000 और 20,000 मिले हैं। इस बात का मैं विरोध करता था, तो जिलाध्यक्ष जी ने जिला उपाध्यक्ष जयपाल जी से मुझे लेटर पैड से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया पार्टी से भी पार्टी। तो मैं इसी माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि मेरी गलती क्या है, मैंने कौन सा बीजेपी का झंडा थामे हुए था। बीजेपी का झंडा उठाने का काम तो आप खुद स्वयं कर रहे हैं, आपने वार्ड नंबर 16 से कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, आपने क्यों नहीं उतारा कांग्रेस का क्यों? क्योंकि वहाँ बीजेपी के गद्दावर नेता बड़े नेता खड़े थे और वो जी बनना वो हार जाते, ऐसी बहुत बातें हैं। तो आपसे मैं बस यही जवाब मांगना चाहूँगा कि आपने मुझे पार्टी से क्यों निकाला और मैंने कौन सा बीजेपी का झंडा थामे हुआ था, मेरी गलती क्या है, आप मुझे मीडिया के माध्यम से जवाब दें। मैं आपको बताना चाहता हूँ पब्लिक के माध्यम सभी को, मैंने प्रदेश अध्यक्ष लड्डू जी पर भी अपने लेटर राइट को दोबारा शिकायत की है, उन्होंने देखा कि अब प्रदेश अध्यक्ष राहुल वर्मा शिकायत पहुँचा रहा है हमारी, तो ये हम जिले से हट जाएंगे, और इन्होंने मुझे 6 साल के लिए निर्वासित कर दिया, ये कारण है। मतलब मैंने इनकी अब तक ऊपर शिकायत नहीं की, गुरुबाजी में कहता था कि आप उधर जाइए, ये नहीं माने, जब मैंने इनकी शिकायत प्रदेश अध्यक्ष लड्डू कुमार जी से की तो इन्होंने सोचा कि आप हम ज़्यादा दिन जिले में नहीं टिक पाएंगे और हम हट जाएंगे, इससे पहले हम राहुल वर्मा को लड़ा देंगे, तो इसने इन्होंने मुझे 6 साल के लिए निर्वासित कर दिया, क्योंकि जिले की पावर होती है जिला अध्यक्ष के हाथ में, तो इन्होंने अपनी पावर दिखाते हुए वार्ड नंबर 13 से कामिल खान है जो कांग्रेस पार्टी से वार्ड नंबर 13 से जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे सदस्य का,
जिसमें इनका कहना है कि पार्टी की तरफ से इन्हें कोई भी सहयोग नहीं दिया गया। कामिल भाई आपका क्या कहना है, आपने पार्टी के लिए मतलब जो इलेक्शन वार्ड नंबर 13 से लड़ा था कितना पैसा खर्च कर चुके हैं आप? लगभग 3.25 लाख रुपये खर्च किया मैंने। अच्छा 3.25 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं, तो पार्टी की तरफ से आपको कोई सहयोग मिला था? सहयोग मिला है मुझे, लगभग 5,000 रुपये एक महीने हैं और 18,000 रुपये एक महीने हैं, तो पार्टी ने पूरे क्या मेरा इसमें 23,000 रुपये टोटल मांगे किया है। और बाकी इसके अलावा जो वो पोस्टर छपने थे 3,000 पोस्टर मैंने बाबे छपवाए 13,500 रुपये के, इससे अलावा बैनर झंडे काफ़ी लगवाए मैंने, लगभग 60-65। टोटल कितना पैसा खर्च कर चुके हैं आप अब तक? 3,25,000 रुपये टोटल मेरा खर्च हुआ। 3,25,000। अच्छा, जो मैंने बीच में जाने के बाद गरीबों के बीच में जाने के बाद जो, तो कुछ पार्टी के जो अध्यक्ष हैं या जो पार्टी के मेन कर्ता धरता थे तो उन्होंने कुछ आपको सहयोग दिया था या कुछ मतलब दिलासा दिया था कि हम आपको पैसे देंगे या कुछ भी करेंगे आगे के लिए? जब इसमें गजौला में मीटिंग हुई थी, एक क्या नाम है वो फैक्ट्री है, पेवा फैक्ट्री सामने एक होटल है, उसमें मीटिंग हुई थी, तो मैं ये गया था वहाँ पे वरिष्ठ नेता बारे के और भी आए हुए जिनका मैं नाम नहीं जानता, तो वहाँ पे ये कहा गया था हमारी पार्टी के लोगों ने, बोले जितनी भी जिसको जो मदद चाहिएगी जिस नेता को बुलाया जाएगा, जैसे कि इमरान प्रतापगढ़ी की मांगती है, आचार्य प्रमोद जी की मांगती है। पैसा आपको कितना खर्च करना पड़ा? पैसा मैंने पार्टी ने और कुछ पैसे दिया है आपको? नहीं, ये 23,000 रुपये मेरे पास आए टोटल मार्केट। अच्छा 23,000 रुपये पूरा इलेक्शन आपने लड़ दिया? पूरा मैंने इलेक्शन लड़ा। तो आपको ये नहीं मालूम पार्टी की तरफ से कितना पैसा आया था? नहीं, मुझे तो ये मालूम नहीं, भाई ये ऐलान किया था, बोले फैक्ट्री में के सामने जो होटल है, बोले आपको 50,000 रुपये। अब जो आपको दिलासा दे रहे हैं, आप क्या दिलासा दे रहे हैं? आपको जो खाता नंबर या अकाउंट नंबर मांग रहे हैं? खाता नंबर लिए तो लगभग इलेक्शन से पहले है, मैंने बार बार खाता चेक कराया, कोई भी उसमें फंड नहीं आया। 3 महीने का मैंने जेड बैंक निकलवाया, बैंक से जाकर 3 महीने का जेड बैंक निकलवा कर उसमें कोई भी मेरे खाते में पैसा आया ही ना, जो मैं उनको खाते का जेड बैंक मैंने व्हाट्सअप किया, मैंने कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं आया। तो मिस्टर कामिल खान का ये कहना है वार्ड नंबर 13 से जो प्रत्याशी है कि इन्हें मतलब 5,000 रुपये एक दिए गए थे और 18,000 रुपये एक दिए थे, करीब इनका 3.75 लाख रुपये पैसा खर्च कर दिया, पार्टी की तरफ से मात्र 23,000 रुपये दे गए। ये एक बहुत सीधा सज्जन आदमी है, लिसड़ी बुर्ज के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 13 से प्रत्याशी थे कांग्रेस पार्टी के, जिन्हें इन्हें बाद में पार्टी की तरफ से जिला अध्यक्ष की तरफ से ये दिलासा दिया गया कि आप मेहनत से इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारा पूरा सहयोग देंगे। और अब ये पैसे का ये फ़ोन करते हैं तो इनका अकाउंट नंबर मांगा जाता है। अब इनका कहना यह है कि ना ही कोई अकाउंट नंबर दिया जा रहा है, ना ही कुछ दिया जा रहा है, ना ही पैसे आए हैं उसमें, 3 महीने से पैसे हमने चेक करे हैं उसमें 1 रुपया नहीं पाई, पैसे नहीं आई है, और हमारा 3.25 लाख रुपये करीब इन्होंने अब तक खर्च करवा चुका है। यही बात है कामिल भाई जी? यही बात है, मैंने काफ़ी खर्च किया है। बाकी इसमें 6 साल से मैं मीटिंगों में लगा हूँ, पार्टी ज्वाइन की करी मैंने, जैसे कि आम आदमी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष था, मैं उसको छोड़ के मैं कांग्रेस पार्टी में आया, बार बार मैं मीटिंगों में बराबर जाता रहा, पैसा उठाता रहा, कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने उधार ले लाकर लोगों से खर्च किया, पार्टी की वजह से पार्टी मेरी कांग्रेस पार्टी जो उसका मैं मान सम्मान करूँगा, जो जनता के बीच में जाऊँगा, जनता इसे सपोर्ट करेगी, जनता के बीच में जाएंगे तो जनता सब सपोर्ट करेगी, तो पार्टी की नीति आगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ABP 24 न्यूज़ चैनल से नौमान नवाज खान ने रोटेट।